हेलो गाइस सर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो में हम करने वाले 1v1 विद नन अदर देन सेंटिक। मोस्टली लोग यार सेंटिक को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके भाई बंदे को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत ओपी कंटेंट डालता है ये भी, मतलब कंटेंट कम ही डालता है, लाइव स्ट्रीम ज़्यादा करता है, लेकिन यार खेलने में बहुत मज़ा आएगा यार, बहुत ओपी बंदा है। तो यार 1v1 चलने वाला है, जैसा हमारा चलता है हर बार की तरह। 5 मैच होने वाले हैं, रूल्स बहुत सिंपल हैं। 5-6 जो है वो फाइनल राउंड में अलाउड नहीं होगा, और बाकी जो न्यू मैप है और हमारा फुटबॉल है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यार अलग अलग टीम में हो जाते हैं और वो दिखाने भी नहीं वाले। 2-3 बार वो आया लेकिन यार दिखा नहीं सकते। और यार बाकी हमारा स्पेस रेस अगर फाइनल में आया तो सिर्फ सेंटर ले सकते हैं, और बम्बार्डमेंट अगर फाइनल में आया तो पंच फाइट चलेगी। तो यार अभी तो फिलहाल के लिए स्पेस रेस भी नहीं आया और बम्बार्डमेंट भी नहीं आया, सुपर स्लाइड आ चुका है। तो यार सुपर स्लाइड में यार अच्छी खासी हम स्टार्ट ले लेते हैं, और यार यहाँ पे मैं कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ। यार मैं पहले नीचे गिरता हूँ फिर मैं ऊपर से निकलता हूँ, भाई बहुत सही ट्रिक लगती है ये भी। अगर मान लो आपको वो जो मेन ट्रिक है वो नहीं होती तो यार ये बहुत सही ट्रिक है, ये भी आप कर सकते हो। तो यार आज की इस वीडियो पे हम लाइक एम रखेंगे। यार देखो यार, मैंने अभी बीच में एक पोल करवाया था, जिसने पोल पे अभी तक अपना वोट नहीं डाला तो यार डाल दो यार मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके। उस पोल में मैंने आपसे पूछा था कि 1v1 किसके साथ होना चाहिए, तो 83% बंदों ने बोला गॉडेक्स के साथ। तो यार गॉडेक्स के साथ 1v1 करेंगे, अगर इस वीडियो पे जैसे ही 1000 लाइक्स हो जाते हैं हम गॉडेक्स के साथ 1v1 करने वाले हैं। और यार चैनल की रीच अब थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए यार आए हो तो यार लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अगर कर सकते हो तो, और कमेंट। देखो यार हमने कमेंट का एक नया सिस्टम निकालने वाला हूँ। आप लोग को क्या करना है, जैसे आप आए हो देखने वीडियो और मैंने 12 बजे वीडियो डाली है और आप 1 बजे मान लो देखने आए हो, तो आपको लिखना है कमेंट में जाके 1, फिर वो 2 बिंदी होती है जो मतलब टाइमर की, फिर 00 मतलब 1 बजे, और प्रेजेंट मतलब अटेंडेंस है एक टाइप से, कि आप कितने बजे आके आप वीडियो देख के गए। तो यार देखते हैं लोग कितना ये लोग फॉलो करते हैं। यार आइडिया तो काफ़ी सही है यार, घर पे बैठे बैठे एक बार मेरे लिए तालियां बजा दो। तो यार अब आ जाते हैं वापस से 1v1 पे, और यार लाइक गेम ज़रूर से कंप्लीट कर देना यार, क्योंकि देखो यार मैंने आपको कल लाइक के लिए बोला और 700 लाइक्स से आपने सीधा भाई 1000 लाइक कंप्लीट करवा दिए, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो यार लाइक तो कर ही देना पक्की, क्योंकि यार कंटेंट तो यार हम डालते ही रहते हैं यार, नहीं भी होता हम तो भी डाल देते हैं, हम ऐसे हैं। तो यार अभी के लिए हम आ जाते हैं वापस 1v1 पे, क्योंकि यार फोकस भटकना नहीं चाहिए। तो यार 1v1 में हम सिर्फ बॉटों को पंच कर रहे थे, और यार कुछ बॉटों को भी थोड़ा प्यार दिखा दो कमेंट सेक्शन में। जस्टिस फॉर बॉट्स, #justiceforbots, भाई बेचारों के साथ बहुत गलती होता है हमेशा। तो यार यहाँ पे अब आ चुका था लेजर ट्रेसर, और स्कोर हो चुका था पहले ही 1-0, क्योंकि हम सुपर स्लाइड में एक मैच ऑलरेडी जीत चुके थे। और यार सेंटिक काफ़ी ओपी प्लेयर है, तो यार इसके साथ खेलने में थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई कुछ ऐसी तैसी ना कर दे हमारी। और यार पिछली बार जब हमारा 1v1 हुआ था, जब पार्ट 1 हुआ था, उसमें 3-2 की टक्कर चली थी, और यार बहुत क्लोज कॉल चला था हमारा, मैं जीत गया था लकीली। तो इस बार देखते हैं क्या सेंटिक मुझे वापस हरा सकता है और रिवेंज वापस ले सकता है या नहीं। तो यार अपने अपनी प्रेडिक्शन डाल दो यार कमेंट सेक्शन में, कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे स्कोर हो चुका है 2-0, मैं यहाँ पे 2 से लीड कर रहा हूँ यार, पर कुछ पता नहीं चलता है, क्या पता वो 3-0 कर दे, कुछ आइडिया नहीं है, मतलब 3-2 कर दे, अब वो तीनों लगातार जीत जाए। तो यार यहाँ पे आ चुका था बम्बार्डमेंट, और इसमें सीधा सीधा यार बॉट्स को मुक्का मार मार के बाहर करेंगे, और यार सीधा सीधा अपना चालू करेंगे यार अगला जो भी राउंड आने वाला है। तो यार यहाँ पे मैं एक बॉट को बाहर निकाल देता हूँ, और जब तक मेरा पंच आया होता है मैं एक को निकालता हूँ, तब तक यार सारे बॉट्स ही खत्म हो जाते हैं। और यार ख़त्म भाई, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड, भाई सबसे जल्दी बम्बार्डमेंट खत्म होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है इधर। तो यार यहाँ पे आ चुका होता है स्पेस रेस, और यार इसमें पोजीशन सेंटिक की अच्छी होती है, सुपर स्लाइड में मेरी अच्छी थी, तो यार मुझे था कि चलो ठीक है यार देखते हैं क्या करता है बंदा। तो यार यहाँ पे अच्छा खासा दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन सेंटिक खुद तो हकता ही है, मुझे भी हकवा देगा, जिसकी वजह से मैं तो गिर जाऊँगा। लेकिन यार यहाँ पे बेस्ट बात ये हुई कि सेंटिक को स्पॉन जो था वो वापस स्टार्टिंग में मिला, जिसकी वजह से मेरे पास एक अनफेयर एडवांटेज आ गई, कह सकते हैं कि अनफेयर थी बहुत, क्योंकि यार उसको स्पॉन नहीं मिला था, क्योंकि भाई वो लैंड बहुत जल्दी हो गया था इसलिए उसको स्पॉन नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है कि गेम वालों की उसके साथ कोई दुश्मनी है, ठीक है, तो कुछ नहीं होता भाई, कभी कभी हो जाता है, इधर उधर निकल जाते होंगे स्टम्बल गैस वाले भी, जैसे मैं निकल जाता हूँ। तो यार यहाँ पे अच्छा खासा हमारा मैच चल रहा था, और 1-sided विन हमारे पास आ चुकी थी। तो यार यहाँ पे हम स्कोर बहुत इजीली 3-0 कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं यार, 3-0 ही होगा, इतनी टेंशन नहीं लेने का। तो यार बहुत इजीली 3-0 हो गया था, क्योंकि यार रूल सिंपल थे कि सेंटर से ही जा सकते हैं, इधर उधर से आ नहीं सकते, अगर सेंटिक आ भी जाता तो भी उसको सेंटर से आना पड़ता, और यार मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी लग गई थी, तो यार इजीली हम क्वालिफाई कर गए।
यार यहाँ पे एक और बार आ चुका होता है स्पेस रेस, पर ये सेकंड राउंड की क्लिप है और यहाँ पे भाई बॉट मुझे हकवा देता है। और यार ऊपर तो हम नहीं जा पाते, तो यार वापस से एक बार कोशिश करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता है नहीं। तो यार इस बार बहुत आराम से फ्लो में ऊपर जाते हैं। और यार ये टिप्स एंड ट्रिक्स किससे आती है, देखो यार एक ये वाली ट्रिक तो यार देखो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, काफ़ी अच्छा बूस्ट दे देती है। लेकिन यार ये वाली ट्रिक किसको आती है, जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ये वाली ट्रिक कौन कौन कर चुका है और किस किस को नहीं आती, जिससे मैं आगे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए हो कि सिर्फ स्पेशल स्पेस रेस की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो मैं ला सकता हूँ कि ये ट्रिक कैसे हो। तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो अगर सीखनी है तो, 100% लाई जाएगी। और यार यहाँ पे मैं डायरेक्ट जाने के चक्कर में यार कुछ अलग ही हरकत कर देता हूँ, तो यार क्या ही किया जाए, आदत से मजबूर है हम भी, फालतू की हरकतें करनी तो होती है। तब तक वीडियो में मज़ा ही नहीं आया जब तक फालतू की हरकतें ना करो। तो यार यहाँ पे हम दोनों ही मज़े मार रहे होते हैं और इसको लग रहा होता है मैं इसको हक करूँगा, लेकिन यार हम निकलते हैं धोखेबाज। और यार यहाँ पे सीधा सीधा मुक्का दे देंगे भाई मुँह पे और क्वालिफाई हो जाएंगे यार, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बॉट्स आके चले गए तो यार रीमैच फालतू का हो जाता है। तो यार यहाँ पे एक और बार आ चुका होता है लेज़र ट्रेसर, और यार लेज़र ट्रेसर में मैं अब थोड़ा वीक हो चुका हूँ, जो मैं अभी जानता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा हो गया हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया मुझे, बराबर से अंदाज़ा नहीं लगा पाता हूँ कि भाई कौन सी लेज़र कहाँ से आने वाली है। तो यार इस पर ग्राइंड करते रहेंगे, बिल्कुल करेंगे इस पर ग्राइंड। और यार अगर कोई मेरे नाम का मतलब अभी तक नहीं समझा कि MRK क्यों रखा है मैंने, तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, मैंने आज 11 बजे ही एक वीडियो डाली है, उस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों किया है MRK अपना नाम। ऑब्वियसली मैंने क्लाइन ज्वाइन किया है, लेकिन क्या सीन हुआ ये वो कि मैंने MRK ही क्यों ज्वाइन किया, सब उस वीडियो में मैंने बता दिया है, जाके देख लो यार वीडियो। तो यार अब जाते हैं इसी वाली वीडियो पे एक और बार, और यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, यार बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता, तो यार पहले ही कर दिया करो, जैसी वीडियो पे आओ पहले ही कर दिया करो कि हाँ भाई लाइक शेयर कर दिया, ठीक है, तो आगे फिर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं यार जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक्स हो जाएंगे, वैसे ही गॉडेक्स के साथ हम 1v1 डाल देंगे, क्योंकि यार काफ़ी लोगों को गॉडेक्स के साथ 1v1 चाहिए था, मुझे लगा नहीं था इतना वोट मिलेगा गॉडेक्स को, गॉडेक्स को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। और यार कोई आसपास भी नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं है कोई, उडिन था पर बहुत पीछे था यार वो, 83 तो अकेला गॉडेक्स ही ले गया चार बंदों में, तो क्या ही बोला जाए। तो यार यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा होता है, बिल्कुल प्यार से निकल रहे होते, कोई दिक्कत नहीं आ रही होती, और यार यहाँ पे बहुत आराम से कोई दिक्कत नहीं, फालतू की हड़बड़ा दबड़ी नहीं कर रहे होते, लेकिन यार हड़बड़ा दबड़ी नहीं करें ऐसा हो थोड़ी सकता है। तो यार अभी दूसरी लेज़र आती नहीं है, मैं पहले ही जंप मार देता हूँ, जिसके चक्कर में यार सेंटिक ले जाता है ये मैच और स्कोर हो जाता है 3-1। तो यार यहाँ पे अब सेकेंड राउंड में लेज़र ट्रेसर आ चुका है भाई, तो यार खेलेंगे यार, और कोई ऑप्शन तो हमारे पास बचता है नहीं कि यार स्किप हो जाए, यार स्किप का ऑप्शन होता ना क्या ही मज़ा आ जाता भाई। तो यार यहाँ पे सारे बॉट्स पता नहीं भाई, कोई जलता ही नहीं है भाई, सारे अपने उछल रहे हैं मस्त, देखो भाई एलिमिनेटेड एक भी नहीं है भाई, दो लाइन होकर चली गई, एक बॉट एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो यार यहाँ पे मैं मुक्का मार के पहला बॉट एलिमिनेट कराता हूँ, क्योंकि यार ये तो एलिमिनेट होने के मूड में मुझे लग नहीं रहे थे, पता चले भाई सेंटिक और मैं ही चले गए, बॉट अपना जीत के जा रहे हैं, क्योंकि यार सारे बॉट एक साथ खेल रहे हैं ना, सेंटिक में भी तो बॉट में ही आते हैं। तो यार यहाँ पे 5 एलिमिनेट हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, तो यार जल्दी से ख़त्म होने वाला था ये मैच, और यार मैं बस इंतज़ार कर रहा था फाइनल का, और यार ये सेंटिक बॉट से इतना चिपक रहा था तो मैं मुक्का भी नहीं मार पा रहा था, पर चले सेंटिक को लग गया और सेंटिक भी खर गया, तो फिर क्या ही होगा। तो यार यहाँ पे सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, और यार फाइनल राउंड हमारे पास आ चुका था लॉस्ट टेंपल, और यार मुझे लॉस्ट टेंपल आजकल कुछ ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है। तो यार ये आता है तो मैं खुश तो होता हूँ, लेकिन यार मेरी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती, सेंटिक के पास खुला मौका होता है कि अगर सेंटिक हगेगा नहीं तो यार ये मैच बहुत ईजी लेके चला जाएगा वो, और यार वो भाई काफ़ी अच्छा प्लेयर है और मुझे लग नहीं रहा था कि वो हगेगा, और यार यहाँ मैं ही हक देता हूँ और वो काफ़ी सही निकल रहा होता है भाई, कोई उसको दिक्कत नहीं आ रही होती, और बहुत हमारे पास कम डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो यार वो प्रेशर में आ जाता है जिसकी वजह से वो हक देता है, जिसकी वजह से यार खुली विन भाई, एक और बार हमें खुली विन मिल जाती है कि भाई जा जीत ले अपनी ज़िंदगी। तो यार यहाँ पे बहुत ईजी विन हमने एक और बार से निकाल ली है, और यार स्कोर हो चुका है एंडिंग का हमारा 4:1। तो गाइस यहाँ पे हमने बहुत प्यार से 1v1 को एक और बार से अपने नाम कर लिया है, बेचारे सेंटिक के साथ यार बहुत स्कैम हो गए, और आखिरी में भाई उसने ही हक दिया, जिसकी वजह से यार पिछली बार स्कोर था 3-2, इस बार ख़त्म हो चुका है 4-1 से। तो यार अगर आपको गॉडेक्स के साथ जितनी जल्दी आपको 1v1 चाहिए उतनी जल्दी यार जाके लाइक दबा दो, और यार अटेंडेंस भी डाल देना जल्द, बहुत आराम से, मतलब भाई कोई जल्दी नहीं है, आराम से डालना, कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस डाल देना। वापस से बता रहा हूँ एक बार कि पहले लिखना है टाइम, जिस टाइम पे आप वीडियो देखने आए हो, और प्रेजेंट लिख देना है आगे, ठीक है गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।